अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू योर साइंस लेक्चर। टेक आउट योर साइंस टेक्स्ट बुक्स एज वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। सो इन टुडेज क्लास वी विल डू रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 10 एंड 11। सो ओपन पेज नंबर 10 ऑफ योर साइंस बुक्स। आर टुडेज टॉपिक इज़ बोन्स। बोन्स यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हमारी हड्डियाँ प्रेजेंट हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर टू। कैन यू फील अ लॉट ऑफ हार्ड थिंग्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी? दैट मीन्स कि क्या आप अपनी बॉडी में हार्ड थिंग्स यानी हार्डनेस फील कर सकते हैं? राइट, यू कैन फील। सो दे आर योर बोन्स, यानी जो आप हार्डनेस अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर बोन्स। डू यू नो वाई यू हैव बोन्स, यानी क्या आप जानते हैं कि आपकी बोन्स क्यों प्रेजेंट होती हैं? वाई आर दे प्रेजेंट इन योर बॉडी? बोन्स मेक अप द फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी। वट डज फ्रेमवर्क मीन्स? फ्रेमवर्क मीन्स स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क मीन्स स्ट्रक्चर, यानी आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी है जो स्केलेटन उसमें बनता है, जो फुल स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बनता है? दैट इज़ मेड अप ऑफ योर बोन्स, यानी कि आपकी हड्डियों से मिलकर आपके बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। सो दैट्स वाई बोन्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। दे कीप यू अपराइट। अपराइट मीन्स यानी आप स्ट्रेट रह सकते हैं, स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर बोन्स। यानी अगर आपकी स्ट्रक्चर में बोन्स प्रेजेंट ना हो, ओनली स्किन या ऑर्गन्स वो तो रह नहीं ना सकते कंबाइंड। सो बोन्स क्या करती है? आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर, फॉर्म, शेप देती है और उसको अपराइट यानी कि स्ट्रेट रखने में आपकी हेल्प करती है। विदाउट बोन्स यानी बोन्स के बगैर, हड्डियों के बगैर, योर बॉडी वुड फॉल टू द ग्राउंड, यानी आपकी जो बॉडी है वो क्या करी, ग्राउंड पे गिर जाएगी। एंड हाउ इज़ दैट? क्योंकि आपकी जब ऑर्गन्स और स्किन प्रेजेंट होंगी और हड्डियाँ कुछ होगी नहीं उनको होल्ड करने के लिए, सो आपकी बॉडी तो नीचे गिरती रहेगी ना। सो बोन्स हेल्प यू टू कीप यू अपराइट। ओके, क्लियर? सो नाउ लुक एट दिस बॉक्स, टेकिंग केयर ऑफ bones on your page number 10. Protect those skull bones and your brain inside. Yani jo aapka brain hai, that is present inside your skull bone. Skull bone kehte hain jo aapke head mein present hoti hai, yani aapke skeleton mein jo head ka part hai, that is your skull bone. Aur uske andar kya present hota hai, that is your brain. So how can you protect your skull bone? By wearing a helmet for cycling and other sports. यानी जब आप cycling के लिए जाएँ या जब आपके fathers या बड़े भाई जो हैं वो bike ride करते हैं, so they should always wear a helmet. या आप cycling करें, you should always wear a helmet. या आप कोई sports खेलें, you should always wear a helmet. And why is that? Because you have to protect your skull bone. Because inside your skull bone your brain is present. If you play sports like football, hockey and cricket, always wear all the right equipment. यानी आपके जो जो equipment required होता है, जिस तरह से equipment क्या होता है, जिस तरह से बैट बॉल के लिए आपको pads require होते हैं, gloves require होते हैं, so these are your sports equipment. So इसी तरह वो आपको क्या बता रहे हैं, you should always wear your sports इक्विपमेंट जब भी आप फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट खेलते हैं, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर बोन्स। स्ट्रेंथन योर स्केलेटन बाय ड्रिंकिंग मिल्क एंड ईटिंग अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। स्ट्रेंथन किसे कहते हैं? मजबूत बनाना। एंड हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर स्केलेटन? रिमेंबर आवर स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ आवर बोन्स, सो वी शुड ऑलवेज ड्रिंक मिल्क एंड ईट अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स आर लाइक milk, yogurt, these are all dairy products. And butter यानी मक्खन, दूध, दही, ये सारे क्या हैं? Dairy products. So you should always intake milk and other dairy products to make your bones strong.